तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूँ आईडी कॉपी जो है हमारा एचपी स्मार्ट टैंक प्रिंटर में, जो आप लोग मॉडल नंबर देख सकते हैं 580 है। दोस्तों एचपी स्मार्ट टैंक का सभी मॉडल में बिल्कुल सेम तरीका है, आप लोग उस तरीके से आप लोग आईडी कॉपी कर सकते हैं। जो हमारा वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आप लोगों का जो बोर्ड साइज जेरोक्स होता है वो बिल्कुल एक ही बार में हो जाता है। बिल्कुल मैं आप लोग को इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे दोस्तों ये रहा जो हमारा हाथ में एक कार्ड है, जो आईडी कार्ड है, तो इसको हम आप लोगों को मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप लोग आईडी कार्ड कॉपी करेंगे। तो आप लोग स्कैनर के नीचे बिल्कुल इस तरह से बिठा देंगे। उसके बाद दोस्तों सिंपली हमारा जो ये वाला जो बटन है आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ये वाला जो आईडी वाला बटन है, इसको एक बार पेश करेंगे। पेश करने के बाद दोस्तों कलर वाला एंड दोस्तों ब्लैक एंड व्हाइट वाला जो स्विच है, दोनों स्विच ब्लिंक करेगा और आप लोग ब्लैक एंड व्हाइट वाला स्विच को एक बार प्रेशर करेंगे, मतलब पेश करेंगे, और हमारा जो स्कैनर है वो ऑटोमेटिक अभी जो है हमारा आईडी कार्ड को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। आईडी कार्ड अभी स्कैन हो रहा है, अगर स्कैन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद डिस्प्ले में एक आप लोगों को ऑप्शन दिखाएगा, मैं आप लोगों को बिल्कुल दिखाता हूँ, बिल्कुल लाइव देख सकते दोस्तों। स्कैन बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर सिग्नल दे रहा है। तो इसे अभी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को आईडी कार्ड को बिल्कुल ऑपोजिट साइड को भी आप लोगों को देना पड़ेगा। तो दोस्तों ऑपोजिट साइड आप लोग कहीं भी बिठाइए स्कैनर में, दोस्तों आप लोग इस साइड या दोस्तों इस साइड आप लोग कहीं भी दे सकते हैं। तो देख सकते हैं मैं बिल्कुल यहाँ पर दे देता हूँ। देने के बाद दोस्तों क्या है कि इस प्रिंटर के प्रिंटर में एक ऑप्शन अच्छा है, आप लोग कहीं पर भी दे दीजिए, ऑटोमेटिक जो है आप लोगों को साइज बिल्कुल ठीक कर देता है। तो दोस्तों देने के बाद दोस्तों सिंपली आप लोग ब्लैक वाला जो बटन है इसको फिर से एक बार दबा देंगे। तो दबाने के बाद दोस्तों अभी जो है हमारा प्रिंटर जो है बिल्कुल हमारा कार्ड को बिल्कुल स्कैन करके बिल्कुल प्रॉपरली आप लोगों को प्रिंट आउट करके निकाल देगा। दोस्तों जो मैनुअली करना पड़ता है इस प्रिंटर में, आप लोगों को मैनुअली आईडी कार्ड कॉपी नहीं करना पड़ता है, जो सिस्टम जो है काफी अच्छा किया है। अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट करके बताना वीडियो को कैसा लगा, और दोस्तों चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आप सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ अपने चैनल पर। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो आईडी कार्ड है बिल्कुल अभी जेरोक्स कंप्लीट हो चुका है, ऊपर नीचे जो है आप लोगों को जेरोक्स होने वाला है बिल्कुल इसी तरह से। तो थैंक यू फॉर फुल वाचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड कमेंट करके बताना। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो उसको भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी पे आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूंगा। आप लोगों को प्रिंटर में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, किसी भी प्रिंटर में अगर प्रॉब्लम होता है या डेस्कटॉप में या लैपटॉप में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताइए, मैं उसका सोल्यूशन का वीडियो भी आप लोगों को मैं बना के दिखा दूंगा। तो थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। थैंक यू।